मैं घर संसार चैनल से विमल भाव सर आपके लाई हूँ समर स्पेशल रेसिपी, जो आप मांग मांग कर खाएंगे आपकी बनाई हुई रेसिपी भी आपको कम पड़ जाएगी। आइए इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम दो आम लेंगे, उनको धो लेंगे। आम आप आपकी इच्छानुसार सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे भी आम हो आप ले सकते हैं। और उसका हम ऊपर का छिलका हटा कर उसको घीस लेंगे, और घिसने के बाद हम उसको साइड में रख लेंगे। अब हम यहाँ पर कढ़ाई लेंगे, उसमें आधा लीटर हमने दूध डाला है। मेरे पास मलाई वाला उबला हुआ दूध था, वो हमने डाल दिया है। उसके बाद हम एक छोटा बाउल लेंगे, उसमें दो चम्मच हम चावल का आटा लेंगे। चावल को मिक्सर जार में पीस के चावल का आटा बना सकते हैं। दो चम्मच चावल का आटा डालने के बाद उसको हम हल्का सा लिक्विड बना के इसको अभी हम 5 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये अच्छी तरह से गल चुका है चावल का आटा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा दूध लेंगे गर्म, और उसको केसर के धागे डालेंगे, इसको भी हम साइड में रख देंगे। अब दूध उबल चुका है, उसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर, छोटी चम्मच शमशक्कर स्वाद अनुसार डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर, और जो हमने पेस्ट बना रखा चावल का हम यहाँ पर डाल देंगे। ये चिपके नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। और इसको हम हिलाते रहेंगे, और हमारे केसर वाला दूध भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट आपकी इच्छानुसार डालें। काजू बादाम पिस्ता में बारीक बारीक पीस रखें, उसको हम इसमें डाल देंगे। देखिए दिखने में कितनी अच्छी लग रही, उतनी ये खाने में भी अच्छी है। आप मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम ठंडा हो चुका है, उसको हम निकाल लेंगे। चाहे तो इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं। ठंडा करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जो हमने आम का पल्प निकाल रखा था, उसको डालेंगे। यह स्वीट डिश आपको कैसी लगी, गर्मी में आप कटोरा भर भर के खाएंगे। और हम इसको वापस फ्रिज में रख देंगे, एक बाउल में हम निकाल लेंगे इसको। इस प्रकार की रेसिपी आपने अभी तक नहीं देखी होगी, नहीं खाई होगी। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब इसको गार्निश करेंगे, हम काजू बादाम पिस्ता डालेंगे, और थोड़े से केसर के धागे हम डालेंगे, जिससे कि इसकी लुकिंग और अच्छी लगे। ये यमी टेस्टी रेसिपी आप ज़रूर बना के देखिएगा। अब हम इसको सर्व करते हैं। बिल्कुल आपको बनाते ही खाने की इच्छा हो जाएगी, ऐसी ही रेसिपी है। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बना के देखिएगा कैसी बनी। थैंक यू।